हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। और आज मैंने बनाया है दही बल्ला, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ था। तो मैं ना काफ़ी खा लिया, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। पेट कह रहा है बस कर बस कर, मन कह रहा है और खा ले और खा ले। और आप देख सकते हो कि ये कितना लाजवाब बन के रेडी हुआ है। तो दही बल्ला बनाने के लिए दाल को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे ना मैंने मूंग की दाल और उड़द की दाल दोनों आधा आधा कटोरी के लगभग 2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो इसको ना नॉर्मल पानी में भिगो के रख सकते हैं 4 से 5 घंटे के लिए, या ओवर नाइट भी रख सकते हैं। 2 से 3 बार इसको अच्छे से धो लेना है दाल को, और फिर इसको छलनी में डाल के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। मिक्सी के जार में डाल के हम इसको पीस लेंगे। तो अब इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं चाहिए। पीसते टाइम हमें लगेगा कि अब पानी डालना है, तो हम इसको में ऐड करेंगे। तो हमने मिक्सी के जार में डाल लिया है और इसे पीसना शुरू कर दिया है। बीच में इसको चेक कर लेंगे कि अच्छे से पीस रहा है या नहीं पीस रहा। तो बीच बीच में ना चम्मच से इसे हिलाते रहना है, क्योंकि ना फिर ये चिपक जाता है, ब्लेड के अच्छे चिपक जाता है। तो बीच बीच में हिलाते रहेंगे तो अच्छे से पीस जाएगा। तो मैंने फिर से चेक किया, इसमें ना थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत थी, तो 3-4 चम्मच के लगभग मैंने इसमें पानी डाल दिया। तो बहुत ज़्यादा आपने घोल को ना पतला नहीं करना है, गाढ़ा गाढ़ा घोल ही रखना है। फिर से मैंने इसमें चम्मच को अच्छे से घुमा दिया ताकि अच्छे से पीस जाए। तो 2 बार करके मैंने इसमें पानी डाला है, और पानी ज़्यादा नहीं डला, बहुत ही कम पानी, मतलब 5 से 6 चम्मच के लगभग इसमें पानी डला था। और इतना ही गाढ़ा आपने रखना है। ये अच्छे से पीस गया है, इसे निकाल देंगे एक बड़े बाउल में। तो यहाँ पे ना आपने इसको बड़े बाउल में ही निकालना है। अब हम इसको फेटेंगे, बड़े बर्तन में निकालेंगे तो फेटने में आसानी रहेगी। तो चम्मच की सहायता से अब आपने इसको अच्छे से फेट लेना है। आप चाहें तो ना इसको उसमें हैंड ब्लेंडर की सहायता से भी, या फिर लस्सी बनाते हैं ना उसकी सहायता से भी अच्छे से फेट सकते हैं। और ये फेटते फेटते ना इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और ये एकदम से हल्का और फ्लफी हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैंने लगातार 4 से 5 मिनट फेटने के बाद आपने ऐसे कटोरी में पानी ले लेना है और थोड़ा सा ऐसे डाल के देखना है। और आप देख सकते हैं कि एकदम से ऊपर पानी में तैर रहा है, एकदम से हल्का हो गया है। तो आपने ऐसा ही चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड किया था सिर्फ जीरा और नमक। आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्ची बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्ची इसलिए नहीं डाली ना, बच्चों को खानी होती है फिर, इसलिए मैंने नहीं डाली, क्योंकि बच्चों के फिर मुँह में आती है तो उनको फिर अच्छी नहीं लगती, फिर वो खाएंगे ही नहीं दही बड़ा, चाहे कितना ही अच्छा बना हो। तो मैंने इसे बिल्कुल सिंपल सा रखा था। तो यहाँ पे मैंने ना आज बनानी है इसकी इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो मैं ना काफ़ी सारी पहले ही बना के रख देती हूँ, और फिर ये 4 से 5 महीने के लिए अच्छे से चल जाती है। और इसको पहले ही मैं इसलिए बना रही हूँ कि काफ़ी टाइम से ना मैं लाइट का वेट कर रही थी कि लाइट आए तब मैं दाल को पीसूँ, लाइट आए तब मैं दाल को पीसूँ। तो अभी लाइट आई हुई है तो इसको पहले मैं पीस के रख लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए फिर मैं इसका वेट करती रहूँ। तो अच्छे से इसको भी पानी डाल लिया था और इसको भी अच्छे से पीस लिया था। और अच्छे से आपने इसमें चेक कर लेना है कि कोई बीज तो नहीं रहा है। यदि बीज रहा होगा तो मिक्सी के ब्लेड भी टूट जाएंगे और टेस्ट तो चटनी का ख़राब हो ही जाएगा। और अब मैं इसको छान लूँगी छन्नी से, हाथ की सहायता से या फिर चम्मच की सहायता से। ऐसे हिलाते हुए हम पूरी की पूरी अपनी चटनी को छान लेंगे, और ये चटनी बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होती है। और साइड में रख देंगे कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए, ताकि हम अपने दही बड़े फ्राई कर सकें। और जब तक तेल गर्म होगा तब तक हमारी चटनी भी अच्छे से छन जाएगी। तो ये चटनी ना मतलब पकौड़ों के साथ, दही बल्लों के साथ, समोसों के साथ, हर किसी के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छी बनके रेडी होती है। तो चटनी को मैंने अच्छे से छान लिया है और उसे रख दिया है साइड में। और अब फ्राई कर लेते हैं अपने दही बल्ले। तो तेल को अच्छे से पहले चेक कर लेंगे कि गर्म हो गया है या नहीं। तेल अच्छे से गर्म हो गया था, अब हम इसमें डाल देंगे हमारे दही बल्ले। तो बहुत बड़े साइज़ के मैं नहीं बना रही हूँ, मीडियम से साइज़ के मैं बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे आँच को तेज नहीं करना है। अब मैंने ना आँच को स्लो कर दिया, एक बार तेल ठीक गर्म हो गया उसके बाद मैंने आँच को मीडियम स्लो सा ही रखना है, ताकि बल्ले अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए।
तो जितने भल्ले आपके एक साथ आए उतने आप डाल सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इनको बिल्कुल नहीं हिलाया, उसके बाद इनको ऐसे हिला दिया। वैसे ये अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं, जब ये पकना शुरू हो जाते हैं तो अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं। अच्छे से हिलाते हुए इनको चारों तरफ से आपने फ्राई कर लेना है। इन्हें निकाल देंगे प्लेट में और सेम प्रोसीजर से हम अपने बाकी के दही भल्ले भी रेडी कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये कितने गोल गोल, और देखने से ही पता लग रहा है कि अंदर तक ये कितने सॉफ्ट बन के रेडी हुए होंगे। तो बचे हुए भी बैटर से भी मैंने दही भल्ले डाल दिए हैं कढ़ाई में। और ये वाले भी लगभग बन के रेडी हो गए हैं, इनको भी अच्छे से पलट देंगे। तो मैंने यहाँ पे ना मूंग और उड़द दोनों की दाल ली है। आप चाहें तो सिर्फ उड़द की दाल के भी बना सकते हो, उड़द की दाल के भी ये बहुत ही अच्छे बन के रेडी होते हैं। तो सेकंड बैच भी हमारा लगभग बन के हो गया है रेडी, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। और एकदम गोल मटोल बहुत ही अच्छे ये बन के रेडी हुए हैं, ये देखिए। अभी बहुत गर्म है, देखने से ही लग रहा है कि एकदम से सॉफ्ट ये बने हैं। इनको भी निकाल दिया प्लेट में। तो चलिए अब हम अपनी इमली की खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। तो इमली के जो पल्प था उसको मैंने अच्छे से छान के रख लिया था, उसको डाल देंगे हम किसी बड़ी कढ़ाई में, या आप डायरेक्ट ही इस कढ़ाई में ही छान सकते थे, जिसमें आपने बनाना है उसमें आप छान सकते हो। इसको रख देंगे गैस पे और इसमें एक बॉईल आने देंगे, और तब तक हम इसमें डालेंगे गुड़। तो गुड़ को कूट लेते हैं। आपके पास यदि शक्कर है तो आप शक्कर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ना मैं चटनी, ये मतलब इमली की खट्टी मीठी चटनी है ना, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ही बना रही हूँ। एक बार यदि बना लो तो लंबे टाइम तक ये ख़राब नहीं होती है, और ये बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होती है। तो मैंने 3 बड़े बड़े गुड़ के वो पेड़े लिए थे और अच्छे से उनको कूट लिया, और 2 पेड़ों के लगभग मैंने इसमें गुड़ डाल दिया। और अब हम इसको चलाते रहेंगे, बीच बीच में अपना बाकी का काम करते रहेंगे। और आँच को मैंने स्लो कर दिया था और बीच बीच में इसको चलाते रही हूँ, और अपना साथ में किचन भी क्लीन कर लिया। तो एक बड़े बाउल में मैंने ले लिया है पानी, और जितने दही भल्ले आपने खाने हैं उतने आपने इसमें डाल देने हैं। तो मैं दही भल्ले को ना पानी में लगभग 20 से 30 मिनट के लिए पानी में डाल के रखूँगी। वैसे तो आप पूरे दही भल्ले डाल के रख सकते हो, लेकिन जितने खाने होते हैं ना उतने डाल के रख सकते हो। मैं एक्चुअली ऐसा करती हूँ कि दही भल्ले जब मैंने बनाए होते हैं ना, तो जितने खाने होते हैं उतने मैं आधे घंटा पहले डाल के रख देती हूँ। और एक बार दही भल्ले बनाए हुए मैंने 2 से 3 दिन आराम से खा लेती हूँ। जैसे एयरटाइट डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, और जब खाने होते हैं तब हल्के से गर्म पानी में नमक डाल के आधे घंटे के लिए उसमें डिप करके रख देती हूँ। और अब रेडी कर लिया है मैंने दही, यहाँ पे मीठा दही तो यहाँ पे ले लिया मैंने। दही ऐड कर दी है, उसमें चीनी, पीसी हुई चीनी, नमक, काला नमक और चाट मसाला। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी फेंट सकते हैं, लेकिन मिक्सी में फेंटने से होगा क्या कि एकदम से पतला हो जाएगा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पतला दही नहीं चाहिएगा। तो कुकर में मैंने पहले ही आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, वो भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं, और मैंने चेक कर लिया है कि वो भी अच्छे से बॉईल हो गई हैं। और इधर चटनी में भी आ गया है अच्छा सा बॉईल। ऐड कर देंगे इसमें मसाले स्वादानुसार। मैंने इसमें डाल दिया है नॉर्मल नमक, अब इसमें डाल दिया है काला नमक, और ये मैंने डाल दिया है मगज के बीज, जो कि इस चटनी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें नई चीज़ें नहीं डालूँगी, हल्की बहुत ही कम चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ, मगज और काजू। आप ये ड्राई फ्रूट्स ना ज़्यादा मात्रा में भी डाल सकते हो। ये मैंने डाल दिया इसमें कस्तूरी कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और इसमें ऐड कर देंगे हींग। हींग का फ्लेवर भी इसमें ना बहुत ही अच्छा आता है। बस तो हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बनके हो गई है रेडी। गैस को कर देंगे हल्का सा स्लो और इसे 3 से 4 मिनट के लिए और अच्छे से बॉइल होने देंगे। बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे। तो हमारी इमली की चटनी भी बनके हो गई है रेडी। मैंने इसको टेस्ट करके भी देख लिया है कि कहीं पे नमक या फिर मिर्ची कुछ कम तो नहीं है। एकदम बहुत ही लाजवाब बनके ये रेडी हुई थी, उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है।
गैस को कर दिया था बंद और चटनी को होने दिया है ठंडा। और सभी चीज़ें बनके हो गई है रेडी, इधर चटनी भी ठंडी हो गई है, हमारा दही भी तैयार है। दही यहाँ पे ना एकदम से ठंडा होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आलू को भी मैंने काट लिया था और भल्ले को अब हल्के से दबाते हुए हम इसका पानी निकाल देंगे और रख लेंगे प्लेट में। एक भल्ला मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर तक इतना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। ऊपर से डालेंगे फिर इसमें दही। आप चाहें ना तो इन भल्लों को थोड़ी देर के लिए दही में डिप करके भी रख सकते हैं। यदि इनको दही में डिप करके रखते हैं ना तो इनमें दही अंदर तक चला जाता है, ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये बनाई थी मैंने धनिया पुदीना हरी मिर्ची और लहसुन की चटनी, जो कि मैंने आज नहीं बनाई है, कल बनाई थी। इसको डाल देंगे, ऊपर से हम डाल देंगे इमली वाली खट्टी मीठी चटनी। और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब होता है। आप इसे समोसे के साथ खा सकते हो, पकोड़े के साथ खा सकते हो, दही वाला, आलू टिक्की, हर किसी के साथ आप इसको खा सकते हो। और ये चटनी मैं हमेशा बना के रखती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ 4 से 5 महीने के लिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और अब मैंने प्लेट में रख दिए डाल दिए हैं उबले हुए आलू, ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया हल्की सी मिर्च। तो मैंने इसको बिल्कुल सिंपल सा रखा है। आप चाहें तो इसमें ना पपड़ी भी, वो चाट पपड़ी भी डाल सकते हो, इसमें मतलब पीनट वगैरह डाल सकते हो, भुजिया डाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हो। मैंने ऊपर से इसमें डाल दी थी बूंदी। तो ये लीजिए लगभग हमारी प्लेट बनके हो गई है रेडी। ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया। तो फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और ये देखिए अंदर तक इतना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है, और इतने लाजवाब बन के रेडी हुए थे कि मैंने इतना खा लिया पेट भर गया, लेकिन मन कह रहा है कि और खा ले और खा ले। तो ये बहुत ही लाजवाब बने थे फ्रेंड्स। तो बाय फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ।